गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे एंशियंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे हम एंशियंट कश्मीर। आज हम शुरू करेंगे वुमेन रूलर्स ऑफ कश्मीर, जो औरतें, जो हुक्मरान जिन्होंने वो औरतें जिन्होंने कश्मीर पे क्या किया था, हुक्म किया था, वो हुक्मरान औरतें जो कश्मीर की। द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट कश्मीर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज इट्स आर द रूल ऑफ मेनी फीमेल रूलर। जो जो हमारा जो कश्मीर था, पुराना कश्मीर था, जो उसकी हिस्ट्री थी वो बहुत ही दिलचस्प थी, क्योंकि ये देखा गया कि उस पर बहुत सारे औरत हुक्मरानों ने राज किया था, हुक्म किया था। सुगंधा वाज वन ऑफ देम, सुगंधा उनमें से एक थी। संकरा वर्मन एंड सुगंधा हैड ए सन हुज नेम वाज गोपाला वर्मन। संकरा वर्मन और जो सुगंधा थी, उनके उनके एक औलाद थी, जिस बेटा था उसका नाम क्या था, गोपाला वर्मन। आफ्टर द डेथ ऑफ संकरा वर्मन, गोपाला वर्मन हु वाज स्टिल ए चाइल्ड सक्सीडेड हिज फादर। जैसे ही संकरा वर्मन की डेथ होगी, मौत होगी, तो जो उसका बेटा था गोपाला वर्मन, जो अभी भी एक बच्चा था, वो उसकी जगह उसने उसकी गद्दी या उसकी जो हुक्म था उसके पास चला गया। सुगंधा हिज मदर एक्ट इज एज ए गार्डन टू द इन्फेंट किंग। जो सुगंधा उनकी माँ थी, गोपाला वर्मन की माँ थी, वो क्या करे, वो आप उसकी एज ए गार्डन उसके काम करने लगी, जो बादशाह था, जो छोटा बादशाह था। आफ्टर द डेथ ऑफ गोपाला वर्मन, जब गोपाला वर्मन की मौत हो गई, क्वीन सुगंधा हरसेल्फ एज्यूम्ड द रॉयल पावर्स इन 904 CE एंड रूल्ड अंटिल 906 CE। जो सुगंधा थी, जो इनकी माँ थी, उसने क्या किया, आप उसने खुद अपने को वो पावर्स रख ली और कश्मीर पर हुक्म किया 904 CE से लेकर 906 CE तक। डीडा वाज अनदर पावरफुल फीमेल मोनार्च ऑफ कश्मीर। अब डीडा जो थी, वो एक अलग औरत थी, जो पावरफुल राज्य या क्वीन जिसे बोल सकते हो, कश्मीर की जो महारानी थी। शी स्टार्टेड हर रूल इन 981 CE। उसने जो अपना हुक्म जो रूल किया था वो कब से शुरू किया था, 981 CE एंड कंटिन्यूड ऑन द थ्रोन ऑफ कश्मीर टिल 1003 CE। और कश्मीर के जो तख्त ताज पर वो रही कितने, कब तक, 1003 CE तक। अब डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल, जो हिंदू रूल था, जो वो क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होने लग गया। आफ्टर द डेथ ऑफ डीदा, वो जो महारानी थी डीदा, जो मोनार्च या क्वीन बोल सकते हैं, उसकी मौत के बाद हर नीपुर जो उसका बांझा था, उसका नाम क्या था, संग्राम राजा रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 103 टू 1028 CE। उन्होंने जो संग्राम राजा था उसने रूल किया 1003 से लेकर 1028 CE तक। द 3 सेंचुरीज ऑफ द रूल ऑफ द लोहरा डायनेस्टीज ओवर कश्मीर कंप्राइज ए पीरियड ऑफ कंस्पिरेसी एंड फाइट्स फॉर थ्रोन। जो ये 3 सेंचुरी तक, जो लोहरा जो खानदान से इन 3 सेंचुरी तक जिसने राज किया, वो तीनों सेंचुरियाँ किससे भरी रही, एक तो मतभेद से भरी रही और लड़ाई जो तख्त ताज के लिए लड़ाई से भरी रही। इट वॉज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड देर वॉज नो डेवलपमेंट एनीवेयर। ये क्या था, एक पीरियड था, एक दौर था, जब पॉलिटिकल मतलब जब ये बहुत ही मतभेद चल रहा था, एंड देयर वाज नो डेवलपमेंट एनीवेयर। और कहीं और उस समय कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी सुधार या कोई भी उन्नति का काम नहीं हुआ था। हाउएवर इट वाज ओनली हर्षा, जबकि ये सिर्फ हर्षा, द लास्ट किंग ऑफ द फर्स्ट लोहरा डायनेस्टी, जो लोहरा खानदान का लास्ट किंग था जिसका नाम हर्षा था, हु सीम्स टू हैव सम सेंस ऑफ रूल, जिसको थोड़ा बहुत समझ थी, हुक्म करने की थोड़ी बहुत समझ थी। ही वॉज ए गुड पोइट एंड रूल्ड एबली फॉर सम टाइम। वो एक अच्छा पोइट था और उसने कुछ देर के लिए भी हुक्म किया था। सून ही फेल टू द कंस्पिरेसी, और वो भी क्या पड़ गए, मतभेद में क्या पड़ गए, फॉर अदर थ्रॉन कंटेंडर्स, जो बाकी दावेदार थे तख्त ताज के लिए जो लड़ रहे थे, उनके साथ उनका मतभेद चलने लग गया, किसका, हर्षा जो बादशाह बना था। द रॉयल ट्रेजरी हैज ऑलरेडी एम्पिटाइड बिकॉज ऑफ लेविश एक्सपेंडिचर ऑन हिज पर्सनल लग्जरी। जो अब ये खजाना था वो क्या हो गया था, लगभग खाली हो गया था, क्योंकि जो ये राजा हर्षा राजा था वो क्या करता था, अपने ऊपर ज़्यादा पैसा उसने जितना भी खर्चा था वो अपनी जो ऐश आराम के लिए उसने वो खर्च कर दिया। द नीड ऑफ मनी टर्न द लिबरल किंग इन टू ए क्रूल ओप्रेसर। जो ये पैसे की अब जो चाहत थी उसने क्या किया, जो एक उद्धार या एक दानेदार जो बादशाह था उसको क्या बना दिया, एक जुल्मी बादशाह बना दिया। ही प्लंडर्ड द कॉस्टली ट्रेजरस फ्रॉम ऑल द टेम्पल्स। उसने क्या किया, अब जितने भी मंदिर थे, जिसमें जो मंदिर में जितने भी खजाने थे उनको क्या कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। द डिवाइन इमेजेस इन द टेम्पल्स, और जो मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी थी उनको भी उसने कुछ कुछ छोड़ के बाकी सारे लूट ली। ही ऑल्सो रेज टैक्सेस टू सिक्योर मोर वेल्थ। उसने क्या किया, टैक्स भी बढ़ा दिया ताकि उससे वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। द रूल ऑफ सक्सेसर्स ऑफ हर्षा कंप्राइज ए फर्दर पीरियड ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन। जो ये रूल ऑफ जो ये हर्षा के बाद जिन्होंने बादशाहत की या जिनके पास ये तख्त ताज था,
वो भी एक दो रहा इसके नुकसान के, डीके एंड डिस्ट्रक्शन जो तबाही था उसके उसके उसका वजह रहा। बाय द टाइम सहदेव असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, जैसे जब तक जो सहदेवा था वो कश्मीर का तख्तोताज अपने हाथ में लेता, इस्लाम हैज ऑलरेडी एंटर्ड द वैली, इस्लाम इस्लाम पहले से ही वैली में क्या कर चुका था, एंटर कर चुका था, घुस चुका था। एंड मैनी पीपल है एक्सेप्टेड द न्यू फेथ, और बहुत सारे लोगों ने इसको अपना भी लिया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल द स्पेल्ड द एंड ऑफ द हिंदू रूल इन कश्मीर, जैसी जो मुस्लिम रूल की स्थापना के साथ ही जो मुस्लिम रूल जो कश्मीर में वैली में एंटर किया, उसके उसके एंटर करते ही जो कश्मीर जो हिंदू रूल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतने चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे।